नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में। भारत की क्या भूगोल है, चैप्टर नंबर 1 भारत का आकार एवं स्थिति, भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में, भारत कहाँ स्थित है, क्या उसका एरिया है, कौन से नंबर में आता है, क्या उसकी लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कहाँ स्थित है, ये सारा का सारा आज एक छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत स्थित कहाँ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गोला खींचते हैं और इस गोले को हम मान लेते हैं कि पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर, इस गोले पर भारत की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी ये मैंने लाइन खींच दी जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ये लाइन इस गोले को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक आपका बन जाता है ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आपका बन जाता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि इसमें फिर से हमने एक लाइन खींच दी और फिर से इस लाइन ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। अब ये चार भाग हो गए, 1 2 3 4। अब इन चारों में से, चारों खानों में से भारत कहां पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है इस पृथ्वी पर, इस मैप पर, इस गोले पर। चलिए तो यहां पर बात करते हैं। यहां पर चार ये गोलार्ध बन गए, ये पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो है आपकी इस तरह से यहां पर, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये हिस्सा जो आपका है, कह सकते उत्तर में, कह सकते उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब पॉइंट ये आता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, आप अच्छे से जानते हैं, भलीभांति जानते हैं क्या है। तो भारत की स्थिति जो है, ये जो है, ये है दक्षिण मध्य एशिया में। कहां स्थित है भारत, दक्षिण मध्य एशिया में। कहें कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। ये तो हो गया आपका वैश्विक परिप्रेक्ष्य के रूप में। अब जानते हैं हम भारत के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है। चलिए मैं एक इस तरह से फिर से एक लाइन टाइप खींच देता हूं इस तरह से। ये जो है ये मैंने खींच दिया इस तरह से। अब हम ये बात करते हैं इस तरह से, आपको ये देख करके आपको लग रहा होगा कि किस तरह का इसकी आपके दिमाग में ये स्थिति बन गई होगी किस तरह से। ये तो ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा और यहां से एक लाइन जाती है इस तरह से, जो कि भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। एक होता है आपका, ये आपका बन जाएगा उत्तरी भारत, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी भारत। देखिए बात यह है कि अगर आप इंडिया के मैप को, भारत के मैप को पढ़ लेते हैं तो आपकी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाती है। चाहे वो पर्वत रहे हो, चाहे उसका भौगोलिक स्वरूप रहा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, संस्कृति कुछ भी रहा हो, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कई तरह का भूगोल, कोई सी प्रकार के आप पूरे मैप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपने अपने मैप को अपने माइंड में सेट कर लिया है। चलिए ये जो लाइन गई बीच में से, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बराबर दो भागों में बांट देती है और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर के ये रेखा जाती है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो हिस्सा यहां से आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है भारत का, इसको हम बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री यानी कि तटीय रेखा। ये जो है क्या है, ये आपका है तटीय रेखा। कुल लंबाई इसकी कितनी है, देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ दो द्वीप भी हैं, एक ये है और एक यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक ये है, ये लक्षद्वीप है और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम यहां से यहां तक की लंबाई यानी कि हम बात करें तो लंबाई कितनी है, इसकी टोटल जो लंबाई है द्वीपों को मिलाकर के, द्वीप सहित जो लंबाई है तटीय रेखा की, वो कितनी है, वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर। यानी कि यहां से लेकर के ये लंबाई और ये द्वीपों को मिलाकर के कुल लंबाई जो है वो है आपकी तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। अगर हम बात करें मुख्य तटीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा कौन सी आपकी, ये वाली है, तो इसकी लंबाई है वो आपकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर द्वीपों से
दो पॉइंट है, द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर और मुख्य तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। अब ये बच्चा आपका ये स्थलीय सीमा भारत की, इस तरह से ये आपकी बच्चे स्थलीय सीमा, यहां से लेकर के ये जो लंबाई होगी यानी कि भारत की स्थलीय सीमा जो होगी वो आपकी हो जाएगी कितनी, 15200 किलोमीटर। तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय रेखा 15200 किलोमीटर। अब आप उसको जोड़ेंगे तो कुल बन जाएगी 22000 समथिंग लंबाई। अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना, ये है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, कह सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। और ये जो है पूरे विश्व का 2.42% है, किसका, पूरे विश्व का। कमाल की बात देखिए, इस 2.42% पर लगभग पूरे विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि ये क्षेत्रफल यहां से लेकर के कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.42% है और इस 2.42% पर 18% जनसंख्या निवास करती है भारत की। ठीक, यहां तक आगे होगा। ये जो है जैसे मैंने आपको बताया, ये तटीय रेखा जो है भारत के 9 राज्यों से होकर के जाती है, कितना से होकर जाती है, 9 राज्यों से होकर के जाती है। आप देख सकते हैं यहां से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 9 राज्यों से होकर के जाती है। आप देखिए कितना आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर, यानी कि यहां यानी कि उत्तर से, ये उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये होती है आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है वो है आपकी कितनी, 2900 किलोमीटर। पश्चिम और पूर्व में समय का 2 घंटे का अंतर भारत के बीच में, कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर है। यहां से यहां तक हमारे पास 30 देशांतर है और एक देशांतर घूमने में या 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, कितने का, 4 मिनट का यहां समय लगता है, तो 30 घूमने में 120 मिनट लगती है, इसलिए यहां और यहां 2 घंटे का अंतर है। और भारत का जो मानक समय है वो डिसाइड होता है यहां से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से। ये 82.5 देशांतर जो रेखा है ये इलाहाबाद के पास नैनी से जुड़ती है, कहीं की लिखा हुआ मिर्जापुर से जुड़ती है, कहीं की लिखा हुआ ये इलाहाबाद के पास नैनी से होकर के जाती है। तो भारत का टाइम डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है किससे, आपका 82.5 डिग्री रेखा से। अब हम बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे, तो पहला जो आपका आता है वो आपका आता है इधर पाकिस्तान, अगर मिस्र से बात करते हैं पाकिस्तान, दूसरा आपका आता है अफगानिस्तान, तीसरा जो आपका आता है वो आपका आता है चीन, चौथा जो आपका आता है वो आता है आपका इधर, अब जब यहां गए हम देखते हैं नेपाल, पांचवा जो आपका आता है वो आता है आपका भूटान, छठवा जो आपका आता है बर्मा कहे या फिर कहे म्यांमार, और सातवा जो आपका आता है वो आपका आता है बांग्लादेश। यानी कि 7 देशों से भारत की सीमा टच करती है या कहें 7 देशों से होकर के जाती है। और सबसे अधिक लंबाई जो लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ में वो बनाता है बांग्लादेश, यानी कि 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वो बनाता है आपका बांग्लादेश, और सबसे कम जो बनाता है वो बनाता है अफगानिस्तान, यानी कि 60 किलोमीटर, कहीं कहीं लिखा होगा 80 किलोमीटर या 110 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर ये अफगानिस्तान के साथ रेखा बनती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में रेखा कौन सी है, ये जो रेखा है
वो जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो थी वो 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई। कब? सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 में खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब आती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, थोड़ा स्पेस कम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा है ये 1896 में, कब? 1896 में सर डूरंड द्वारा खींची गई थी। किसके द्वारा? सर डूरंड द्वारा खींची गई। अब भारत और चीन के बीच में बात करते हैं। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींची गई थी सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। ये रेखा खींची गई। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात कर लेते, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये यहां जो है भारत के आसपास की स्थिति क्या है। भारत के जो पश्चिम है इसमें अरब सागर स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और यहां पर है आपकी मन्नार की खाड़ी जो भारत श्रीलंका को अलग करती है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। यहीं पर है पाक जल संधि। पाक जल संधि या कहें पाक स्ट्रेट, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, म्यांमार और ये इस तरह से। तो ये अब कहें कि भारत जो है, भारत के पश्चिम अरब सागर, पूर्व बंगाल की खाड़ी, दक्षिण हिंद महासागर, और उत्तर में जो है वो है आपका हिमालय पर्वत जो इधर स्थित है। हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कितने राज्य है भारत में, कितने यूटी प्रदेश है भारत के अंदर। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे जो बड़ा राज्य भारत का है वो है आपका, बड़ा राज्य भारत का वो आपका राजस्थान, और सबसे छोटा जो राज्य है वो है आपका, ये जो है एरिया के क्षेत्रफल में है।